बकरा ईद में बारबेक्यू बनाने का एक अलग ही मजा होता है। गर्मी भी होती है, पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन बारबेक्यू भी बनाना है। पता ही चला है कि हाईवे पे बहुत शदीद बारिश हो रही है। आपको मैं मार्केट दिखाता हूँ, बिल्कुल सन्नाटा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर एहतियात करें, जहाँ का आपको प्रॉब्लम है, के इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा मसला है, तो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस बल्कि हेड ऑफिस का बाहर करें। तो जितने लोग हैं सारे बातें सताए हुए हैं, आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, खासतौर पर कराची की, तो सब आपका साथ देंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मेन्यू ब्लॉग। उम्मीद है खैरियत होंगे। आज संडे है और मेरे दूसरे भांजे का निकाह था, और मेरी तरफ से बहुत बहुत अब्दुल मुक्सिद को निकाह मुबारक। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और हमेशा खुश रखे। वहाँ ब्लॉग बनाना सही नहीं था, इसे मस्जिद की हदूद है तो वहाँ पे मना है। निकाह से भी मैं घर पर आया हूँ और अब करेंगे छत पे बारबेक्यू, तो हम जा रहे हैं छत पर। चेयर्स ऊपर लेके जानी है, चेयर्स जो है ले ली है, और डेक भी साथ होगा। जब ये जारी बता डेक हो, रौनक ना हो, तो फिर मजा ही नहीं आता बारबेक्यू का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। छत पर आ गए हैं और यहाँ पे सेटिंग अभी करनी है, और उमैम जो है वो चेयर्स लगा रहे हैं। उमैम और बिलाल चेयर्स की सेटिंग कर रहे हैं, इससे कि जारी बात कुर्सियाँ लगेंगी तो यहाँ सब बैठेंगे। और बारबेक्यू का प्रोग्राम यहाँ पर है। कोयले जल चुके हैं, तकरीबन कोयले जल चुके हैं, तैयारी हो रही है, सिकाई रखी हुई हैं और गोश्त यहाँ पर है, तो अभी जो है वो सिकों में लगाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसको सेकेंगे। सिके रख दिए बनाने के लिए और अभी पानी मीठी हुई है, अब देखें कितनी देर लगती है, कितनी देर होगी, और देखते हैं। इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है और इसका जायका भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। यार तुम तो दनादन फेंके जा रहे हो। बकरा ईद में बारबेक्यू बनाने का एक अलग ही मजा होता है। गर्मी भी होती है, पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन बारबेक्यू भी बनाना है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। बारबेक्यू हो गया तैयार और यहाँ मैं जमा कर रहा हूँ, थोड़ी देर में इंशाल्लाह बैठेंगे खाना खाने के लिए। बारबेक्यू हो गया कंप्लीट और अब हम देखते हैं। दस्तरखान लग चुका है, दस्तरखान की भी तैयारी हो चुकी है, प्लेट्स वगैरह लगा दी हैं और सलाद वगैरह भी रख दी है, और अब करेंगे डिनर। खाना बहुत अच्छा बना है। मेरी नवासी आई है घर पर ना, ईद के हवाले से बारबेक्यू था, तो कैसी उम्यानी? उम्यानी इसका नाम है माशाल्लाह, बहुत क्यूट बच्ची है। कैसी हो? लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके। अ फ्यू आवर्स लेटर। बारबेक्यू वगैरह हो गया और छत से नीचे आ गए, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और अभी रात के बज रहे हैं 3 और अभी सोने की तैयारी कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे सुबह। 6.5 hours later। गुड मॉर्निंग, सुबह उठ गया था और नाश्ता वगैरह कर लिया है, रेडी हो चुका हूँ और अभी मुझे जाना है शॉप, तो निकल रहा हूँ शॉप के लिए। A few minutes later. दुकान पहुंच चुका हूं और यहां बिल्कुल सन्नाटे हैं। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, और पता ही चला है कि हाईवे पे बहुत शदीद बारिश हो रही है। Really? आपको मैं मार्केट दिखाता हूं, बिल्कुल सन्नाटा है यहां, मतलब रौनक होती है, रश होता है, लेकिन मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे का आलम है और कस्टमर ना होने के बराबर है। दुकानदार जो फारिग है, ये आप देख सकते हैं, दुकानदार सारे फारिग खड़े हुए और दुकान में मैं इंटर हो चुका हूँ। हाँ, क्या आपकी पोजिशन क्या है आज, क्या कंडीशन है? लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, के इलेक्ट्रिक ने भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया हुआ है। भाई एक तो ये पूरी मार्केट है, तो मेन हमारी मार्केट है, इस हवाले से हम देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारी जो है, पहले तो लोड शेडिंग नहीं होती थी, अब यहाँ की लाइटें जा रही है हमारी। हाँ। एक एक दो दो तीन तीन घंटे के लिए, एक तो 40 सेंटीग्रेड की गर्मी है, हाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, 40 पे चली गई। मगर ये है, इसके साथ जो है लाइटें भी जो जा रही है, उसकी वजह से ना कस्टमर आ पा रहा है, और इसकी गर्मी भी बहुत है ना हमारे इधर कराची में ना, गर्मी बहुत ज्यादा। हम चाह रहे हैं कि ये है कि लोड शेडिंग जो है कम से कम हो, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत इलाकों में बढ़ चुकी है। अब हम हमारे घर की बात करें तो गार्डन की, तो सुबह 7 बजे जाती है, 9:30 बजे आ रही है रात में, सुबह। अच्छा, सुबह फिर 11:30 बजे जा रही है, फिर पता नहीं कब आ रही है, एक एक घंटे के लिए लाइट आ रही है, एक एक बाकी भी जा रही है। हाँ, ये यही हो रहा है। और मैं तो मतलब यही कहूंगा कि कोई भी एरिया हो वहाँ पे, अभी मैंने सुना था 3-4 दिन पहले गार्डन के एरिया है, शू मार्केट है, लाइट हाउस है, पेपर मार्केट है, दीगर इलाके हैं,
इस तरफ आए सेंटर में लियाकताबाद है, मीना बाजार के इलाका है, नॉर्थ नाजाबाद है, नाजुक, इसमें 12-12, 15-15 घंटे की कंटिन्यू लोड शेडिंग हुई है। तो मतलब इसमें जारी बात है, इसमें काफी लोगों के बोझ भी अभी गुजरी है, तो बोझ भी लोगों के खराब हो गए हैं, बहुत लोग परेशान हुए थे। ये तो चलिए खैर एक चीज खराब हो गई होने की, लेकिन बहुत से लोग जो बीमार हैं, जो बेड रेस्ट पे हैं, तो वो क्या करेंगे? अच्छा बिल भी आप, अच्छा मजे की बात ये है कि आपकी देखिए लोड शेडिंग 12-12 घंटे की है, सब कुछ हो रहा है, लोड शेडिंग भी हो रही है, लोग वो भी चले उसको जो है वो भुगत रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बिल कम नहीं आ रहा, वो ही नहीं आ रहा, बिल ज्यादा आ रहा है। मतलब जहां बिल आता था जिस फ्लैट का, मैं फ्लैट से शुरू करूंगा कि 7,000, 6,000, 5,000, उसकी 25,000, 30,000 रुपये आ रहे हैं, तो ये नाजायज नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं, केल लेटर की इतनी मतलब इतना लोगों को तंग किया हुआ है। अच्छा फिर अभी मैं परसों एक जगह गया था इवेंट में, तो जब वापस आ रहा था लियाकताबाद से, तो वहां भी पूरा रोड बंद किया हुआ था और एहतियाज हो रहा था। अब देखिए एहतियाज भी मैं ये कहता हूं कि जो एहतियाज करते हैं कि खुदारा एहतियाज केल लेटर के ऑफिस के बाहर करें, आप उनके ऑफिस के बाहर करेंगे तो वहाँ गहरी बात है प्रोटेस्ट माना जाएगा। आप आम रोडों पे करते हैं, आप सड़कों पे आप करते हैं, तो इससे ही होता है कि आम पब्लिक जो मुतासिर हो रही होती है, वैसे ही लोग जो सड़कों पे होते हैं, जो वहाँ सफर कर रहे होते हैं, तो वो भी परेशानी के आलम में होते हैं, और बिजली के सताए हुए वो खुद भी होते हैं, तो उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा के कुछ हासिल वसूल नहीं होता। इन्हीं लोगों की वजह से देश बदनाम होता है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर एहतियात करें, जहां का आपको प्रॉब्लम है, के इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा मसला है, तो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस बल्कि हेड ऑफिस का बाहर करें। तो जितने लोग हैं सारे बातें सताए हुए हैं, आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, खासतौर पर कराची की, तो सब आपका साथ देंगे। ओके। A few moments later. हमारी दुकानदार भी यहाँ पर आए हैं और ये भी शिकायत करें काशी भाई बहुत ज्यादा लाइट जा रही है। आप क्या कहेंगे, लाइट आपकी कितनी जा रही है, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? अरे मेरी रिहाइश आगरा ताज में जुमा ब्रांच रोड 267 लगता है। अच्छा, तो वहाँ ऐसा है कि सुबह 6 बजे जो लाइट जाती है वो 11 बजे आती है, यानी 5 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, अब रात की जो आने की टाइमिंग है वो 1:30 बजे आ रही है। हाँ। अब बंदा सोते सोते 2:30 बज जाते हैं, 6 बजे दोबारा लाइट गई, इतनी शदीद गर्मी में बंदा क्या आराम करेगा, सुबह क्या काम करेगा? हाँ, नींद पूरी नहीं होती। हमारी जो है वो आला हुकाम से गुजारिश है कि भाई इस पर जरा नजर सानी करें, और बिल भी माशाल्लाह इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। बिल कितना आ रहा है आपका? बिल इस महीने का जो मेरा आया 281 यूनिट का बिल आया 10,778 रुपए। पहले कितना आता था? इस पिछले महीने में मेरा आया तकरीबन 4,500 रुपए। ओहो, डबल से ज्यादा आ गया। उसमें भी 13-14 घंटे की लोड शेडिंग है, और 6-8 घंटे हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें इतना बिल। आप मुझे कहेंगे ना, मैं आपको अपने एक साल के बिल ला के देता हूं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, जो मैं भी यही बता रहा था, हमें भी बता रहा था कि 5,000 जहां आता था, 8,000 आता था, उनके 12-12, 15-15 आ रहे हैं, तो आप आ गए विटनेस के तौर पे। ऐसा ही है, तो मुझे अगर कोई कहे तो मैं एक साल के बिल दिखा सकता हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने, क्योंकि मैं किराएदार हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं, मुझे तो भरने ही है। A few hours later. शॉप से निकल चुका हूं और घर जा रहा हूं। A few minutes later. घर आ गया हूं और व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।